बोकारो जिला भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश राय के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस मौके पर ट्रैक्टर रैली चास ब्लॉक से निकाली, जो धर्मशाला होते हुए चेक पोस्ट पटेल जी के प्रतिमा तक गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मुकेश राय ने कहा कि भाजपा प्रदेश के निर्देश अनुसार हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। रैली के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए काफी काम किया है तथा आगे भी काम कर रहे हैं। देश का विकास हो रहा है तथा किसानों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हर तरह की सुविधा मिल रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष भरत यादव, महिला नेत्री प्रगति शंकर, ऋतु रानी सिंह, संजय त्यागी आदि उपस्थित थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज हम सबों को प्रदेश से और जिला से निर्देश मिला था कि हम लोग किसान मोर्चा की तरफ से एक ट्रैक्टर रैली निकालना है। मोदी जी को आभार व्यक्त करते हुए, मोदी जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए, राष्ट्रहित और देश हित में उनके समर्पण, त्याग और राष्ट्र भावना को ध्यान में रखते हुए एक ट्रैक्टर रैली का निर्देश हम लोगों को प्रदेश से आया था, जिसमें हमारे माननीय भरत भैया जी के साथ हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया और हम लोग मोदी जी की लंबी उम्र की कामना के साथ उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। ट्रैक्टर रैली का उद्देश्य क्या है? ट्रैक्टर रैली एक तरह से किसानों के लिए जो मोदी जी ने 7 वर्ष में किया, या बोलिए कि 21 वर्ष में जो किसान हित के लिए उन्होंने काम किया, एक आभार प्रकट करने के लिए हम लोगों ने आज ट्रैक्टर रैली निकाला था। किसान हित में जो उनका नीति, किसान नीति बनाया है, जो सारे फसलों का MSP वगैरह पे उन पर ज़्यादा फोकस करके, गन्ना हो चाहे गेहूँ हो चाहे धान हो, सबका जो MSP उन्होंने दिया है, किसान की तरफ से एक आभार प्रकट करने के लिए आज ये ट्रैक्टर रैली निकाला गया। तो क्या किसान भाई इससे सहमत हैं? हम लोग तो सहमत ही हैं, किसान भाई सहमत ही हैं, और किसान भाई के आगे के हित के लिए जो भी होगा वही सरकार के द्वारा हमेशा किया जाएगा, ऐसे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।